हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस विद रचना। और आज आपको हम लेके चल रहे हैं देव दीपावली के उत्सव की ओर। वाराणसी के विभिन्न घाटों में देव दीपावली का उत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। घाट बहुत सुंदर तरीके से सजते हैं, दीप जलाए जाते हैं और उनमें माँ गंगा की आरती की जाती है और बजड़े सजा के उसमें लोग गंगा पर यात्रा के लिए निकलते हैं। देव दीपावली का पर्व आपको मालूम ही होगा कि ये क्यों मनाया जाता है। त्रिपुरासुर, जिसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था, उसको जब शिवजी ने समाप्त कर दिया तब देवताओं ने खुश होकर दीपावली को मनाया, दियों को जलाया, शंभु की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया, उनकी स्तुति गाई, उनकी महिमा का गान किया। ये कार्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसलिए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को देवों की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। हम दीपावली मनाते हैं, उसके लगभग 15 दिन के बाद देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। बनारस में 85 घाट हैं और इन 85 घाटों पर सजावट की जाती है और गंगा के पार रीति पर भी बड़ी सुंदर दीपों से लड़ियाँ सजाई जाती हैं। आज आपको हम लेकर चल रहे हैं घाटों की तरफ और दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के द्वारा जो गंगा आरती का आयोजन किया जाता है उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये गंगा आरती आज वर्ल्ड फेमस है और लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, देश के अंदर से भी और विदेशों से भी। तो आपको देव दीपावली के दौरान वाराणसी इतनी सुंदर लग रही है उसका है जब आपको आनंद दिला रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि वीडियो में पूरी आरती दिखाई है जो गंगा जी की जाती है, जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो आप इसमें देखेंगे। और अगर Yeah.
कल्यप्रदमासे शुभे कार्तिकमासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्या पूर्णिमायां महापर्वण पुण्यतिथौ अद्या चन्द्रवासरणपितायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषे शुक्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहागुणगणविशेषणविशिष्टायां लीलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रनामः स्वस्वगोत्रनामधेयः कुलीनामव आत्मनः श्रुतिं स्मृतिं पुराणोक्तां वेदोक्तां शास्त्रोक्तां पुण्यफलं प्राप्त्यर्थवा कायिका वाचिका मानसिका
Oh,
Thank you.